Hello kids, how are you? Today we are going to learn about the chapter 1st of your English book. Unit 1st, the name is Good Morning. Do you like to wake up in the morning? Do you like? Kya aap pasand karte hain to wake up, uthna in the morning? सुबह सुबह आप उठना पसंद करते हैं या नहीं? अगर पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं? क्या आप बता सकते हैं? See what the child in the poem feels. तो चलो देखते हैं कि इस पोइम में जो बच्चे हैं उनको कैसा लगता है सुबह सुबह जब वो उठते हैं, उनको क्या फील होता है, कैसा लगता है, वो ही इस फर्स्ट यूनिट में आपको बताया गया है. नाम है द गुड मॉर्निंग. ओके, सो सुबह उठते ही वो क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज. सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं. स्काई को गुड मॉर्निंग किया, सन को भी गुड मॉर्निंग किया, लिटिल विंड्स हवाएं दैट रन्स जो चल रही है उनको भी गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग बर्ड्स पक्षियों को भी गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग ट्रीज ट्रीज को भी गुड मॉर्निंग किया, एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज तो जमीन पे रेंगने वाली घास को और भूरे रंग की मक्खियों को भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं. हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? और पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि दिन हो गया है. हाउ डिड यू फाइंड, आपको कैसे पता चला? फाइंड आउट इट वॉज डे, कि ये दिन हो गया है. हु टोल्ड यू नाइट हैड गोन अवे? हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया नाइट हैड गोन अवे, कि नाइट चली गई है, रात जा चुकी है, दिन हो गया है, ये आपको किसने बताया? आई एम वाइड अवेक, मैं जाग चुका हूँ. आई एम अप नाउ, अब मैं उठ गया हूँ. आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, और मैं आपके साथ खेलने के लिए आने वाला हूँ. आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ बाहर खेलने के लिए अभी आ रहा हूँ. इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या है? क्रीपिंग वर्ड्स है. क्रीपिंग यानी घास के लिए बोला गया है जो ज़मीन पर रेंगती हुई सी नज़र आती है, जैसे कि कोई कीड़े रेंग रहे हो वैसे ही घास पे, ज़मीन पर घास भी इस तरह से पड़ी होती है. नेक्स्ट वर्ड इज़ अवेक, यानी कि जागना. जब आप जाग चुके होते हैं तो आप कहते हैं आई एम अवेक. गोन अवे, दूर चले जाना, तो रात के लिए कहा गया है. नाइट हैड गोन अवे, रात जा चुकी है. एंड द डे हैज़ कम. रीडिंग इज फन. हाउ इट इज़ फन? वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? जो पोएम में बच्चे हैं, बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, Why is happy? वो क्यों खुश है, ये आपको पता करना है. To whom does the child say good morning? Child किस किस को good morning कर रहे हैं? And what does the child want to do? और बच्चे क्या करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि child क्यों हैप्पी है, क्योंकि गुड मॉर्निंग हो चुकी है,
मॉर्निंग हो चुकी है, सन आ चुका है, नाइट जा चुकी है और आसमान सुंदर दिख रहा है, हवा चल रही है, पक्षी आ गए हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और इन सभी को वो गुड मॉर्निंग भी कह रही है। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, तो इन सब को गुड मॉर्निंग कहा है। फिर व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, बच्चा क्या करना चाहता है, क्या करना चाहती है। आई एम वाइड अवेक, मैं उठूंगी एंड आई एम अप नाउ, और अब मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, और मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए अभी बाहर आ रही हूँ। तो ये वो करना चाहते हैं। अब है टॉक टाइम, बातचीत करने का समय है। किस तरह से बात करते हैं? इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग होती है तो आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। आपको अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को या आपके कलीग्स को, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, इन सब को मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। एट नाइट आई से गुड नाइट, रात होती है तो आप कहते हैं गुड नाइट। अ डॉग सेज बाओ वाओ, डॉग गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं कह सकता, वो क्या कहता है? बाओ वाओ। अ काउ सेज मा मा, से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स टू योर टीचर। अब आपके लिए एक टास्क है, अपनी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कहना है। कैसे कहेंगे? हिंदी में शुभ प्रभात कह सकते हैं, नमस्ते करना भी एक तरह का यही, बट नमस्ते कभी भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग के लिए शुभ प्रभात सही शब्द रहेगा। हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग, अगर आप शाम को स्कूल से घर जाते हैं छूट करके, तो आप किस तरह से विश करेंगे उनको? गुड इवनिंग, इवनिंग में जा रहे हैं तो गुड इवनिंग। नाउ सी वर्ड बिल्डिंग, वर्ड्स बनाना सीखें। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ बीज, बीज के साथ में कौन सा वर्ड राइमिंग में आएगा? कैन यू सी हेयर, ब्राउनी बीज एंड क्रीपिंग ग्रास। डिड यू फाइंड bees, seas, day, for the day you can say may or hay, to, woo, moo. What do you see around your during the day and at night? Draw in the two boxes given below and color the picture. आप दिन में और रात में क्या देखते हैं, उनको इन बॉक्सेस में ड्रॉ करें। For the day, left side box. For the night, right side box. Write two words each from two pictures if you have drawn. अब आपने जो भी पिक्चर ड्रॉ की है उसमें से दो दो चीज़ों के नाम इधर लिखें। डे वाली पिक्चर में से दो नाम, नाइट वाली पिक्चर में से दो नाम। नाउ प्रैक्टिस फॉर द टीम, टीम टाइम। डिनर, दिस इज मड।
A big fat worm lives in the mud. A leaf falls in the mud. It is the worm's dinner. तो आपने देखा कि this is mud. ये एक कीचड़ है. A big fat worm lives in the mud. एक बड़ा मोटा कीड़ा है, worm है, केंचुआ है. वो इस कीचड़ में रहता है. A leaf, एक पेड़ की पत्ती. Falls in the mud. मड में, कीचड़ में पत्ती गिरती है. It is the worm's dinner. ये worms, केंचुए का खाना है. रात का खाना. Dinner. Form groups tell each other an interesting thing you have seen in the garden one day. तो अपने ग्रुप बनाएं और गार्डन में आप कुछ देखते हैं उनको अपने दोस्तों के बारे में बताएं. अब है सॉन्ग टाइम. I like to sing when the sun is shining. Tra la 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 tra la la. I like to sing when the sun is shining. Tra la 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 tra la la. ये एक सिंगिंग प्रैक्टिस का है. इसमें आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं. I like to sing. मैं गाना पसंद करता हूँ. When the sun is shining. जब सूरज चमक रहा होता है. I like to sing when the sun is shining. Tra la la la, tra la la. Okay, kids. So, hope that you have practiced it well. Now there is nothing much more interesting in this chapter.